हेलो एंड वेलकम इन्वेस्टर्स, माय नेम इज दिनेश एंड यू आर वाचिंग मिस्टर कश्यप यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपको बताया कि हम आपके लिए बैंकिंग की दुनिया की, बिजनेस की दुनिया की वो सारी की सारी तमाम बड़ी अपडेट्स लेकर के आते रहते हैं जो कहीं ना कहीं आप लोगों से कनेक्टेड होती हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको बताया कि अभी देश के अंदर लॉकडाउन चल रहा है और इसी बीच में अर्थव्यवस्था की पूरी की तरीके से कमर टूट चुकी है। इसी बीच में दोस्तों कुछ ऐसे विकल्प हैं जहां पे अभी भी अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट आप गेन कर सकते हैं, एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे NSE यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में। दोस्तों, अगर ये शॉर्ट टर्म में अगर आप करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ पे आकर के अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं और यहाँ पे रिस्क भी कम है और साथ के साथ में इंटरेस्ट भी आपको अच्छा देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू अदर सेविंग स्कीम्स। दोस्तों, NSE, सबसे पहले बात करेंगे NSE होता क्या है। तो NSE एक बचत स्कीम है जहाँ पे आप एक साथ यानी लमसम पैसा इन्वेस्ट करते हैं और लमसम पैसा इन्वेस्ट करने के बाद आप वहाँ पे इंटरेस्ट गेन करते हैं। दोस्तों, NSE हम कहाँ से ले सकते हैं, तो बैंक से लेना चाहें बैंक से ले सकते हैं, पोस्ट ऑफिस से लेना चाहें पोस्ट ऑफिस से आप NSE को ले सकते हैं। अब दोस्तों, इंटरेस्ट रेट आपको यहाँ पे कितना देखने को मिलता है मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि इंटरेस्ट रेट अभी फिलहाल के लिए 6.8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको यहाँ पे चल रहा है, लेकिन ये भी कंपाउंडेड होता है, हर 3 महीने के अंदर फ्लक्चुएट होता रहता है, जो कि एक अच्छी बात भी है। और इस टाइम पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले के कंपैरिजन में NSE के अंदर थोड़े से कम मिल रहे हैं, लेकिन पहले जब रेपो रेट ठीक ठाक था रेपो रेट कम हो गया है, इसके कारण से यहाँ पे इंटरेस्ट भी थोड़े से कम हो गए हैं, जो कि एक आप समझ सकते हैं इस चीज़ को किस तरीके से लिया जा सकता है मार्केट के अंदर और किस तरीके से इन सारी की सारी चीज़ों को कैलकुलेट किया जा सकता है बहुत अच्छी तरीके से। इसके अलावा दोस्तों, अगर बात करें पीरियड ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में, तो फिलहाल आप देखेंगे कि 2020 और 19 के अगर फर्स्ट थर्ड क्वार्टर की अगर बात करूँ तो 7.9% था, सेकंड क्वार्टर के अंदर, फर्स्ट क्वार्टर के अंदर 8% था। इसी तरीके से आप देख सकते हैं पूरी अच्छी तरीके से कि कौन कौन से क्वार्टर में कितना कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे चल रहा था। इसके अलावा दोस्तों, अगर बात करेंगे की फीचर के बारे में, तो अर्लियर NSE वेयर अवेलेबल विद द 2 टेन्योर, देखिए 5 सालों के लिए और 10 सालों के लिए, लेकिन अभी इसको सिर्फ और सिर्फ 5 सालों के लिए एप्लीकेबल किया गया है, 10 सालों के लिए आप NSE नहीं ले सकते। पहले ऐसा हो सकता था, लेकिन अभी फिलहाल में सिर्फ और सिर्फ आप इसको 5 सालों के लिए ही ले सकते हैं। अब दोस्तों, NSE कैन बी इजीली परचेज एट द एनी ऑफ इंडियन पोस्ट ऑफिस मेच्योरिटी एट द 5 ईयर्स। दोस्तों, एक अच्छी बात है कि किसी भी पोस्ट ऑफिस से आप NSE को ले सकते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। मेच्योरिटी पीरियड की बात करें तो 5 साल का होता है। इंटरेस्ट रेट, दोस्तों ये जो इंटरेस्ट होता है ना, इंटरेस्ट रेट इज सब्जेक्टेड टू पीरियोडिक, जो कि रहता है फ्लक्चुएट, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी फिलहाल के लिए 6.8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको चल रहा है। आप यहाँ पे अगर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो अभी आपके लिए फिलहाल इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देखने को मिलेगा। मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टिंग इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इज 100 रुपीज, कम से कम 100 रुपये, और 100 रुपये के मल्टीपल में कितना भी पैसा आप मैक्सिमम जमा करा सकते हैं। यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है कि मैक्सिमम आप कितना पैसा जमा कराएंगे। अंडर सेक्शन 80C के तहत में टैक्स बेनिफिट भी आपको देखने को मिल जाता है दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों, इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली बट पेड ओनली एट द मैच्योरिटी और TDS एप्लीकेबल होकर के मिलता है, जो कि एक अच्छी बात है। कोई भी इन्वेस्टर्स है वो भी जाकर के देखते हैं कि कई बार पूछते हैं मेरे से लोग के इंटरेस्ट हमें कैसे मिलेगा, मंथली मिलेगा या मैच्योरिटी पे मिलेगा। तो इस NSE सेविंग स्कीम के अंदर आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो आपको मंथली नहीं मिलेगा, मैच्योरिटी के ऊपर ही मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर बात करें डॉक्यूमेंटेशन की, अगर मैं बात करूँ तो 100 रुपये में, 500 रुपये में, 1000 में, 5000 में या 10000 में या फिर 20000 या 30000 में आप इसको स्कीम को बड़ी ही आसानी से खरीद सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो एक ऐसी स्कीम है जहाँ पे आप अपने पैसे को लमसम में इन्वेस्ट कराएंगे, रिकरिंग डिपॉजिट की तरह ऐसा नहीं होता है इसके अंदर के रिकरिंग डिपॉजिट में आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं एक धीरे धीरे करके महीने महीने, लेकिन यहाँ पे अपने पैसे को आपको इकट्ठा ही जमा कराना होगा। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा अगर हम बात करें लोन फैसिलिटी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है इसके अंदर। अगर आप कभी लोन लेना चाहते हैं तो 90% OD लिमिट की फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिल जाती है। और दोस्तों, बात करेंगे यहाँ पे कि अकाउंट ट्रांसफ़र करने के लिए
आपको फैसिलिटी मिल जाती है। अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कभी भी आप जाते हैं बिजनेस के चलते, जॉब के चलते, तो एक स्टेट में दूसरे स्टेट में आप इस अकाउंट को ट्रांसफ़र करा सकते हैं, जो कि अच्छी बात है। और दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे सेविंग नेशनल सर्टिफिकेट के लिए कौन लोग एलिजिबल हैं, किस तरीके से अकाउंट ओपन हो सकता है। तो सिंगल टाइप अकाउंट ओपन हो सकता है, और अगर आप चाहें तो ज्वाइंट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, ज्वाइंट अकाउंट टाइप जो होता है वो भी कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे ज्वाइंट भी सर्टिफिकेट टाइप अकाउंट भी ओपन किया जा सकता है, जो कि एक अच्छी बात है। इसके अलावा दोस्तों एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो ऑल रेजिडेंट्स इंडियन आर एलिजिबल टू इन्वेस्ट इन NSEs। दोस्तों यहाँ पे सभी इंडियंस एलिजिबल हैं इस अकाउंट को ओपन करने के लिए। नॉन रेजिडेंट्स इंडियन कैन नॉट ओपन और परचेज एन अकाउंट। नॉन रेजिडेंट जो इंडियन है वो इस अकाउंट को परचेज नहीं कर सकते, NRIs इसको परचेज नहीं कर सकते। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे HUF के बारे में, HUF भी इस अकाउंट को ओपन नहीं कर सकते, ये मैं आपको पहले क्लियर बता देता हूँ। बेनिफिट्स ऑफ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो रिस्क फ्री है। जब तक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट होती है, इन्वेस्टमेंट जो होगी आपकी हायर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट गेन करेगी। इसके अलावा NSE इन्वेस्टमेंट और फ्लेक्सिबल इट्स इन्वेस्टर ड्यू टू द लो मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट 100 रुपीज़ और मैक्सिमम की नो लिमिट है। एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए होता है ये कि आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार इसके अंदर पैसे को जमा करा सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं। यानी कि आप चाहें तो 1,000 रुपये जमा कराइए, 5,000 जमा कराइए, 10,000 जमा कराइए, वो टोटली आपके ऊपर है। कोई भी आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करने के लिए फोर्स नहीं करेगा, या फिर आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं होगा कि इतना पैसा ही आपको इसके अंदर जमा कराना है, तभी आप ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज आप ओपन नहीं कर पाएंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ है इसके अंदर। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कि जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ऑल्सो परचेज इन द नेम ऑफ माइनर, जो कि एक सबसे अच्छी बात है, क्योंकि माइनर्स के नाम पे भी इस अकाउंट को ओपन किया जा सकता है, जो कि सबसे अच्छी बात लगती है मुझे। अगर आपका कोई भी फ्यूचर गोल है, जैसे कि आपका बेटा या बेटी अभी अभी पढ़ रहे हैं, अभी आप चाहते हैं कि उनकी हायर एजुकेशन के लिए आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है आपके लिए। इस अकाउंट को आप बड़ी ही आसानी से ओपन भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करते हैं वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में, जो कि मैंने आपको यहाँ पे सबको बताए हैं। साथ में डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो KYC डॉक्यूमेंट्स ही आपको चाहिए होता है, ID प्रूफ, रेजिडेंस प्रूफ, कैश चेक वगैरह चाहिए होता है आपको अकाउंट ओपन करने के लिए, जो कि एक अच्छी बात है। ट्रांसफर नेशनल सर्टिफिकेट जो मैंने आपको पहले भी बताया, लोन अगेंस्ट नेशनल सर्टिफिकेट, ये भी आपको फैसिलिटी मिल जाती है। इश्यू डुप्लीकेट नेशनल सर्टिफिकेट, जो कि अच्छी बात है, ये सारी की सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि होती है प्री मेच्योर क्लोजर को लेकर के, जी हाँ प्री मेच्योर क्लोजर भी आप लोग करा सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा प्री मेच्योर कराने के लिए। करा सकते हैं लेकिन आपको कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर अगर आप कराते हैं तो उसके अंदर टैक्सेस पे करने होते हैं, और साथ के साथ में दोस्तों पेनल्टी पे करनी होती है, और इंटरेस्ट भी आपको उसके अंदर कम देखने को मिलता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं आपको NSE खरीदने से पहले जो कि सोचनी है, समझनी है, और NSE खरीदने के बाद में आपको इन सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशन का यूज़ करना है, इस्तेमाल करना है। उम्मीद मैं करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ में, और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन ज़रूर से ऑन कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पे मिलते रहें। मैं मिलता हूं आपसे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए लेता हूं आपसे विदा। गुड बाय, टेक केयर, जय।